हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल नए वीडियो पर स्वागत है। जी हाँ, आईसीडीएस विभाग पटना की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्क्रमित यानी कि अपग्रेड करने के संबंध में और सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में बदलने के संबंध में जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के बारे में बात की जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी जो है हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्क्रमित करने के संबंध में लेटर जारी हुआ था। उन आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में बनाना था। अब इसके बाद जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 जो शुरू हो चुका है उसके बारे में भी आंगनबाड़ी केंद्रों की लिस्ट मांगी गई है। तो लिस्ट में कौन कौन सी चीजें जरूरी होंगी अगर आपका आंगनबाड़ी केंद्र सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में बदलना है, क्या क्राइटेरिया है, इसके संबंध में जो डिटेल है चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो आप सभी सेविका सहायिका बहुत ही ध्यान से इस लेटर को समझिएगा। ये लेटर बिहार सरकार आईसीडीएस सारे समाज कल्याण विभाग पटना की ओर से जारी किया गया एक ऑफिशियल लेटर है। इसकी पत्र संख्या है 3757। लेटर जो है वो 21 जून 2024 के डेट में जारी किया गया है। नई जानकारी है, जारी करने वाले हैं वरीय प्रभारी पदाधिकारी भवन निर्माण आईसीडीएस विभाग की ओर से जारी किया गया है। इस लेटर को पटना से पूरे बिहार के डीपीओ को जारी किया गया है, यानी सीधे सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में महत्वपूर्ण काम यहां पर पूछा गया है, डिटेल मांगा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के संबंध में, सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में बदलने के संबंध में ये जरूरी लेटर है। नीचे आते हैं यहाँ पर तो पत्र का विषय आप देख सकते हैं। लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 जो अप्रैल 2024 से शुरू है, इस वित्तीय वर्ष में आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उत्क्रमित यानी अपग्रेड या डेवलप करने के संबंध में यहां पर ये लेटर जारी किया गया है। लिखा गया महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उत्क्रमित या विकसित करने हेतु प्रस्ताव की मांग की गई है। उक्त कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13 आकांक्षी जिले, देखिए कौन कौन से आकांक्षी जिले हैं उसके बारे में मैं काफ़ी पहले बता चुका हूँ। इन आकांक्षी जिलों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3566 केंद्र एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में आकांक्षी एवं गैर आकांक्षी सामान्य जिलों को मिलाकर 3550 केंद्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में 3500 फिर एक वित्तीय वर्ष में 3500, टोटल मिला करके जो है 7000 केंद्रों को उत्क्रमित करने के संबंध में यहाँ पर स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन लिखा गया है कि इन दोनों वित्तीय वर्षों में भेजे गए आंगनबाड़ी केंद्रों को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 जो अब शुरू हो चुका है, इस वित्तीय वर्ष में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उत्क्रमित या विकसित करने हेतु विहित प्रपत्र में हार्ड कॉपी हस्ताक्षरित एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया जाए। डिटेल मांगा जा रहा है कि कौन से केंद्रों को अपग्रेड किया जाए। लिखा गया विदित है कि सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उत्क्रमित करने के लिए उन आंगनबाड़ी केंद्रों का ही चयन करना है जो अपने सरकारी भवन में संचालित हो, यानी कि सरकारी भवन में चलने वाले केंद्रों को ही अपग्रेड किया जाएगा जिसमें पहले से पेयजल, शौचालय, बिजली की सुविधा अनिवार्य हो। लिखा गया अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित या उत्क्रमित करने हेतु पूर्व में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्व में दोनों वित्तीय वर्ष में विवरण उपलब्ध कराया गया था उनको छोड़कर अब नए आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है 24 घंटे के अंदर इसका डिटेल भेजना सुनिश्चित करें। इसकी जिम्मेवारी जो है वो डीपीओ को दी गई है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर आईसीडीएस के वरीय पदाधिकारी भवन निर्माण का सिग्नेचर 21 जून का डेट देखने को मिल जा रहा है। चलिए हम आगे आपको डिटेल में दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डिटेल मिली जा रही है ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कैसे करना, किन केंद्रों का करना, उसके लिस्ट में देखिए कौन कौन सी जानकारी मांगी जा रही है। ये तो सामान्य जानकारी है, जिले का नाम और वो आकांक्षी जिला है या नहीं है, ब्लॉक का नाम आकांक्षी ब्लॉक है या नहीं है, परियोजना का नाम, गांव का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का यूनिक कोड, उसके बाद उसका सेक्टर नंबर, उसके बाद वहां पर बेनिफिशियरी इस केंद्र से कितने हैं, जैसे कि गर्भवती धात्री मिलाकर कितने हैं, 0 से 3 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे कितने हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं है, इसके अलावा LED इंस्टॉल पहले से है या नहीं है, इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या नहीं है, इसके अलावा पोषण वाटिका वहाँ पर जरूरी है या नहीं है, इसके अलावा RO मशीन है या नहीं है, इसके अलावा जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई, पेन ड्राइव अवेलेबल है या नहीं है, इसके अलावा ऑडियो वीडियो विजुअल्स यानी कि स्पीकर या LED है या नहीं है, चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग इक्विपमेंट मशीन्स या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है या नहीं है, इतनी सारी जानकारी एक आंगनबाड़ी केंद्र को देनी है तब जाकर उसको अपग्रेड करने के संबंध में आगे भेजा जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए होंगे। सबसे सामान्य बात है कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र जो है सरकारी बिल्डिंग में चलना चाहिए और बिजली, पानी, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, तभी अपग्रेड
किया जाएगा तो सुविधाएं और बढ़ेंगी। तो फाइनली इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।